हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज का टॉपिक है कि अगर आप अभी भी से RTGB रिपेयर कर रहे हो तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको मालूम है कि मैं जो पार्ट नहीं मार्केट में मिले उसको रिपेयर करना और उससे उसकी जगह पर कौन से पार्ट बैठते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। तो आज का टॉपिक है कि अगर CRTGB का चॉपर है जो मार्केट में नहीं मिल रहा है तो उसे एडिशनल कैसे करें और उसकी जगह पर कौन सा चॉपर लगाए और उसे एडजस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि अगर एडिशनल चॉपर भी अगर आप बिठाते हैं तो उसको बिठाना, बहुत सारे लोग हमारे जो सब्सक्राइबर है या कुछ रिपेयरिंग करने वाले जो दुकानदार हैं उनको वो एडिशनल चॉपर बिठाने नहीं आता। तो मैंने इसमें समय, हमारा जो समय है थोड़ा बचे इसलिए वीडियो लंबा ना हो, इसलिए तो मैंने पहले इसे एडजस्ट किया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है कि पहले पावर सप्लाई को भी रिपेयर किया है और उसके बाद उसे एडजस्ट भी किया है किट को। तो इसमें सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि उसे एडजस्ट कैसे करते हैं और उसकी वायरिंग जो है वो कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो पर, आपको मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो। आप हम क्या करेंगे कि आपको टिकने के लिए मैं आपके हमारे स्प्रेंट पर लेके आता हूँ, मेरे किट के स्प्रेंट पर। तो यहाँ पर मैंने एक चाइना का किट एडजस्ट किया है ताकि इसमें मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें एक्चुअली क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम से है वो किस वजह से आ रही है। तो देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह चूहों ने जो है पूरा इसका जो चॉपर है वो पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। यहाँ पर चूहों ने पूरा तरह से ये चॉपर है जो डैमेज करते हैं और ये मार्केट में आजकल मिल नहीं रहा है। किसी और पुराने किट का भी अगर डाल देते हो तो भी ओके हो जाएगा, लेकिन दूसरा चॉपर है तो मिल नहीं रहा मार्केट में। तो इसे कौन सा चॉपर जो है जो एडजस्ट कर सकते हो, तो आप देख पा रहे यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसमें एक एडिशनल चॉपर लगा है बड़ा, जो कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज के बारे में देख रहे हो। यहाँ पर 140, 130, 110, 15, 4.5, 24 वोल्ट्स लेके पुनः 12 वोल्ट्स, 18 वोल्ट, ये जो सेक्शन है कि आपको लगाना कि यही दिक्कत है कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना जरूरी है ताकि आपको ये पूरी तरह से नहीं आता कंपनी से। जैसे मिलेगा आपको जो भी आपके पास पुराना है अगर उसे रिपेयर करना चाह रहे हो तो इसके बारे में बताना हो। इसमें देख रहे हो यहाँ पर 18-15, 10-15 और 18-15, जब भी ये डैमेज हो जाएगा ना तभी जब भी डैमेज हो जाएगा ना तो उस वक्त सिर्फ इसमें से जाने वाले जो पार्ट है, जैसे कि BU है 2310 या 1803 है या 2810 है, ऐसे दो चार BU उस जगह पर चल जाते हैं। जैसे कि ये है रेगुलेशन में 10-15 और 18-15 और ये 18-15, इनमें से ही कौन सा एक पार्ट जो है डैमेज हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट अगर कभी अभी निकल जाता है तो यहाँ पर हमें ये 2.2 का रजिस्टर भी चला हुआ नज़र आता है, तो इसे भी चेंज कर देना है, इसे चेंज कर देना है। और अगर आपको 10-15 और चेकिंग मल्टीमीटर पर करना आता है तो इसे भी चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पर यहाँ पर मैंने वायरिंग करी है, तो वायरिंग मतलब ये वीडियो दिखाने की यही वजह है कि वायरिंग में एक्चुअली लोग वायरिंग तो कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को वो नहीं आती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जंपिंग कैसे करना है, वोल्टेज के बारे में उनको पता होता है। तो यहाँ पर देख रहे यह मैंने क्या किया है कि ग्राउंड को ग्राउंड लगा दिया है और इसके अंदर जो भी कटिंग वाले पॉइंट है, मतलब 110 है, 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो इसे मैंने इसे चॉपर से पूरी तरह से यहाँ से कट करके अलग कर दिया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कट किया है, तो इसे पहले कट कर देना है और उसके बाद जो डायोड के जो सेक्शन डायोड जो ऑप्शन है वो बच जाते हैं, तो उस जगह पर हमें डायोड को ये जो आने वाले जो पावर सेक्शन के जो भी कनेक्शन है उसे एडजस्ट कर देना है इस प्रकार से। तो मेन कनेक्शन ये जो कैपेसिटर वाले हैं 300 वोल्ट वाले, जैसे डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 300 वोल्ट लगा दिया है। और तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर 110 का मैंने पीला वायर है, कौन सा है, एक मिनट,
यहाँ पर हाँ रे व्हाइट कलर का एक तो दो 110 का कनेक्शन है। जैसे भी आप चालू कर देंगे ना, जैसे यहाँ पर कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर के दो वायर इस जगह पर लगा कर आप और किट को चालू कर दें, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज है वो मेजर कर सकते हो। यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज आते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पर इस जगह पर कनेक्शन कर सकते हो, और कनेक्शन करने के बाद ये किट जो है पूरी तरह से ओके हो सकता है। अगर पावर सेक्शन आपके पास है पुराना, अगर ये भी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसे रिपेयर कैसे करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।